नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि एडवोकेट बन जाएं तो आपको क्या करना होगा, उसके बारे में आज बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने डाटा ये लिखा हुआ है तो मैं देख के बताता हूँ आपको। LLB यानी कि जो LLB करते हैं वो एडवोकेट बनते हैं। तो एडवोकेट बनने के लिए आपको 12th के बाद आप सीधे 5 साल का कर सकते हैं LLB कोर्स, या तो आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद 3 साल की LLB कर सकते हैं रेगुलर। ऐसा जो मैंने पता किया है उसमें यही पता किया है कि शायद रेगुलर ही ऑप्शन है आपके पास अगर आप LLB करना चाहते हैं तो। कुछ चुनिंदा कॉलेज ही डिस्टेंस से कराते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बेसिक क्लियर करके चलना पड़ता है इसमें, इसलिए थोड़ा सा इसको रेगुलर करना पड़ता है। तो आपको 12th होना तो अनिवार्य ही है, उसके बाद 5 साल का और 3 साल का आप LLB कर सकते हैं और एडवोकेट बन सकते हैं। और उसमें एक पेपर देना होता है, उसे कहते हैं क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th के बाद, और उसके बाद 5 साल की LLB आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 3 साल की LLB स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको लेना पड़ता है आपका मेंबरशिप नंबर, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपकी अगर LLB कंप्लीट हो जाती है तो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप बन सकते हैं एडवोकेट। तो दोस्तों नमस्कार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।